चलो बोलो। नेक्स्ट देखो, द ईसीएफ फंक्शन इन आर कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ वेक्टर आउटपुट ऑफ द सैम्पल ईसीएफ्स ACF values with the component I giving the sample ACF at lag I minus 1, provided that the plot argument of the function is false. तो अगर प्लॉट हम लोग फॉल्स कर दे तो ACF का वैल्यूज भी आ जाएगा हम लोग का. डिटरमाइन द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सैम्पल ACF एट लैग 2 फॉर ईच ऑफ द टू टाइम सीरीज. निकालो, हिंट भी दे दिया पूरा. कैसे करेंगे? पार्ट 5, ACF एट लैग 2 फॉर MA. अगर ये निकालना होगा तो ACF आ रहा है, ACF बाय MA का निकालना है. एंड इन्होंने क्लियरली, अगर आप लोग भी जाके देखो, प्लॉट इक्वल्स, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, अगर प्लॉट इक्वल्स फॉल्स होगा तो आपका सारा ACF का वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. अब इसमें ना, इफ यू ऑल रन दिस, तो बहुत कुछ लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड. तो एक बार अगर हम लोग हेल्प में जाके ACF सर्च करेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, कितने क्या क्या आउटपुट आता है हमारा. एक आता है लैग, ACF टाइप, ये सब कुछ आता है. हम लोग को चाहिए खाली ACF का वैल्यू एट लैग. तो ये सारे लैग्स का वैल्यू हमें खाली ये चाहिए. तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे किसमें, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बोलो. डॉलर ACF, डॉलर ACF करने से आएगा ना ACF का वैल्यूज, उसका थर्ड वैल्यू देख लो, -0. 1146688 उसी का शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था. सेम AR प्रोसेस के लिए भी करने बोला है. ठीक है, रन करो, देखो आंसर्स मैच करो. फिर तुम लोगों को प्रॉपर आंसर लिखना है. द वैल्यू ऑफ द सैंपल ACF एट लैग 2 फॉर MA1 प्रोसेसेस दिस. नेक्स्ट, क्लियर? एनी डाउट? कंस्ट्रक्ट द आर कोड दैट फर्स्ट सेट्स अ रैंडम नंबर जेनरेटर सीड ऑफ 967 एंड जेनरेट्स 1000 रैंडम नंबर्स फॉर ईच ऑफ द टू मॉडल्स. असाइन द वैल्यूज ऑफ द सैम्पल ACF एट लैग 2 फॉर ईच रैंडम वेक्टर टू टू वेक्टर्स. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये जो ऊपर पूरा प्रोसेस था, सेम प्रोसेस करना है 1000 टाइम्स. मतलब हम लोग को 200 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है, सैंपल लेना है फ्रॉम AR1 प्रोसेस, MA1 प्रोसेस, फिर उसका हम लोग को ACF का लैग 2 का वैल्यू निकालना है. ये करना है अपने को 1000 टाइम्स. तो 1000 लैग 2 का वैल्यूज आ जाएगा, 1000 गामा 2 का वैल्यूज आ जाएगा एक तरीके से. क्लियर? एक बार रीड कर लो, जिसको क्लियर नहीं है, डाउट है तो पूछो कि क्या करना है. अब तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो तो लूप बनाना. टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई खुद से कि कैसे बन सकता है इसका लूप. एनीवन हु डज इट प्लीज शेयर इट इन द चैट बॉक्स एज वेल.
एक बार स्टार्टिंग का बता दो एटलीस्ट क्या क्या करे. टू वेक्टर्स वील हैव टू क्रिएट एसीएफ टू एमए विथ 1000 जीरोस. यस एंड सेम एआर के लिए भी. एंड एक बार आपका ये बन गया लूप रन होगा कहां से कहां आई इन 1 to 1000. लूप के अंदर क्या क्या करेंगे बोलो. सबसे पहले तो वाई एम ए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो हम लोगों ने ऊपर ये किया था. वाई एम ए बनाएंगे है ना एग्जैक्ट सेम कोड. तो इसमें आपके 200 वैल्यूज जनरेट हो गया. सेम वाई ए आर आप करोगे अगेन यू हैव 200 वैल्यूज जनरेटेड. ठीक है. आफ्टर दिस हाँ सीड बाहर डालेंगे लूप के उस नहीं लूप के अंदर नहीं लूप के बाहर डालते हैं सीड. उसके बाद लूप के अंदर डालने का मतलब तुम सीड वैल्यू हर लूप में रन कर रहे हो. व्हाट कोई मीनिंग नहीं है. जब एक पूरा लूप है तो लूप के बाहर सीड वैल्यू डालना बेटर है. अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली समथिंग इज स्टेटेड बट आइडियली इट शुड गो आउटसाइड द लूप. बिकॉज एनी विच वेज लूप के लिए पूरा के लिए आप एक ही सीड लोगे. बार बार सीड वैल्यू नहीं रन करना आपको. तो सेम आंसर आएगा. फिर सारे 1000 वैल्यूज में आपको सेम आंसर मिलेगा अगर सीड वैल्यू अंदर आप ले रहे हो. तो दिस इसके एक वैल्यू में हम लोग को क्या डालना है एसीएफ देख लो है ना. कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो. दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक लूप दैट वी हैव क्रिएटेड. द इंटायर प्रोसेस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड अर्लियर. ठीक है. सीड वैल्यू वील टेक हियर इटसेल्फ. कितना है सीड 967. कोई डाउट है तो पूछ लो एंड देन यू रन द लूप. लेट्स चेक द हेड ऑफ ए सी एफ टू ए आर एंड हेड ऑफ ए सी एफ टू एम ए. चेक करो इन दोनों का और कोई डाउट है तो पूछो.
हुआ यहां तक? एनी डाउट? नेक्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट प्लीज आस्क. डिटरमाइन द मीन एंड वेरियंस ऑफ द टू वेक्टर्स. निकालो इसका मीन वेरियंस. पार्ट सेवन राइट. मीन ऑफ ए सी एफ टू ए आर, वेरियंस ऑफ ए सी एफ टू. देख लो. मैच योर आंसर्स. जब ऐसे लिखोगे ना, खाली ऐसे आंसर लिखने से नहीं होगा. यू विल हैव टू राइट इन इन वर्ड्स द मीन ऑफ ए सी एफ टू एम ए इज द वेरियंस ऑफ, एंड कॉपी पेस्ट करना, खाली नंबर चेंज करना है. तो वो पूरा चार लाइन लिखना पड़ेगा, तब जाके वो हाफ मार्क मिलेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रोग्रामिंग की सिंपली आपको खाली कोड्स नहीं लिखने. नेक्स्ट, प्लॉट ऑन टू सेपरेट ग्राफ्स द हिस्टोग्राम ऑफ द टू वेक्टर्स जनरेटेड इन पार्ट सिक्स. तो हिस्टोग्राम बोला है स्ट्रेट अवे. हिस्ट फंक्शन यूज करेंगे. ए सी एफ टू एम ए ऐसा कुछ बन रहा है. इसका टाइटल दे देना. टाइटल में क्या दोगे? वैल्यूज ऑफ सैंपल ए सी एफ एट लैक टू फ्रॉम एम ए वन प्रोसेस. प्रॉपर क्लियरली आपका सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हिस्टोग्राम ऑफ वैल्यूज ऑफ सैंपल ए सी एफ एट लैक टू फ्रॉम. अगर अभी टाइप नहीं करोगे, एग्जाम में टाइप नहीं होगा, ट्रस्ट मी. There is no point in practicing if you are not practicing it properly. Proper with x-axis, y-axis, सब कुछ. y-axis पे क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो frequency लिखा हुआ है. आपको frequency it's fine, but frequency थोड़ा frequency is count only. तो आप वो भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो क्या number of count of भी लिख सकते हो, but frequency is fine. x-axis बट वो एसीएफ टू एम ए अजीब लग रहा है. तो उसमें सैंपल वैल्यूज ऑफ एसीएफ लैब टू बस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो समवेयर अराउंड सबसे हाईएस्ट आ रहा है आपका. हाँ क्या बोला? जीरो के अराउंड ही है. जीरो 0.1 ऐसा कुछ, जीरो माइनस 0.1. सेम वील डू फॉर ए आर. आप लोग प्लीज नाइस टाइटल दे देना. हिस्टोग्राम ऑफ वैल्यूज ऑफ सैंपल ए सी एफ एट लैक टू फ्रॉम एम ए वन प्रोसेस. हाँ ये ए आर वन है, उसके पहले वाला एम ए. तुम लोग ये भी लिख सकते हो फॉर 1000 सिमुलेशंस. अगर और स्पेसिफिक जाना है लिख लो फॉर 1000 सिमुलेशंस. एम ए वन मॉडल फॉर 1000 सिमुलेशंस. पूरा स्पेसिफिक देखो हम लोग को जहां मार्क्स मिले. टू मार्क्स का क्वेश्चन है, फोर मार्क है, टू टू मार्क का है. अगर आप लोग टाइटल एक्स एक्सिस प्रॉपरली नहीं दोगे तो दे विल डिडक्ट अराउंड, मान के चलो 1-1.5, तो वो डिडक्ट कर ही देंगे आपका. फ्री गिफ्ट है ये, उसको हमें जाने नहीं देना है, ठीक है? ओके.
माई वन मोर स्टूडेंट क्वालिफाइड. बेसिकली वो मेरा, जैसे अनुष्का एंड आदर्श भी मेरे स्टूडेंट्स ही थे, बट मृगांक का स्टोरी अभी रिसेंट तुम लोग देखा होगा लिंक्डइन पे, अगर मैंने भी उसको, सर ने भी शेयर किया था. वेरी, उसका CS2 का एग्जाम के 1 मंथ पहले या 15 डेज पहले उसको डेंगू हो गया था, और उसने स्टार्ट भी बहुत लेट किया था CS2. ही स्टार्टेड 2.5 मंथ्स पहले, सितंबर टर्म में उसको देना था, 2.5 या 3 मंथ्स पहले ऐसा कुछ उसने स्टार्ट किया था, एंड उसको बीच में डेंगू भी हो गया था, एंड शायद तभी टाइपिंग आया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, शायद 2020 या 2021 में दिया था उसने. वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी 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 गुड स्टूडेंट. मतलब नॉट ओनली आई एम सेइंग दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो सब नहीं, बहुत काम. मतलब वो मेरे को फोन करके बोला डेंगू, बहुत ही काम कंपोज स्टूडेंट जो होता है एकदम वैसा, और बहुत अच्छे से उसने एग्जाम पूरा कामली दिया, उसका क्लियर भी हो गया. वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. अभी उसका इस बार क्वालिफिकेशन आया, ठीक है, हो गया. बहुत अच्छा लगता है व्हेन योर स्टूडेंट क्वालिफाई. चलो नेक्स्ट. कमेंट ऑन द रिजल्ट्स इन पार्ट्स 7 एंड 8, इंक्लूडिंग वेदर दे अग्री. एंड वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे से 1 साल जूनियर है, आई थिंक 2 साल या 1 साल जूनियर है, बट आई स्टार्टेड टीचिंग इन माई थर्ड ईयर, सो आई यूज टू टीच देम पेपर बी. उस समय जब वो CS2, आई थिंक उसका थोड़ा डिले हुआ था CS2, उसने कॉलेज में नहीं दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, या कॉलेज के तुरंत बाद दिया होगा. व्हेन ही, पहले मैं CS2 में पेपर बी पढ़ाती थी खाली, सो व्हेन ही गेव CS2, उसी टर्म मैंने शायद CS2 स्टार्ट किया था, आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट टर्म ऑफ CS2. तो और कनेक्शन ज्यादा अच्छा रहता है कि फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स का क्लियर होता है तब. कमेंट ऑन द रिजल्ट इन पार्ट 7 एंड 8, इंक्लूडिंग वेदर दे अग्री विद द एक्सपेक्टेड एसिम्प्टोटिक बिहेवियर. क्या होता है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर? नॉर्मल फॉलो करेगा, मतलब बेसिकली स्विगल फॉलोअर्स हम लोग बोलते थे ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन क्या होगा? वही वैल्यू जो है एस्टिमेट ही है. और आपका वेरियंस क्या होगा? CRLB. CRLB का बताओ कैसे निकालेंगे वेरियंस? एसिम्प्टोटिक वेरियंस यूजिंग, उसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक वेरियंस यूजिंग CRLB, क्रेमर राव लोअर बाउंड. ठीक है, तुम लोगों को फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है. क्या होगा CRLB? 1/ थ्योरेटिकल वैल्यू. याद है MA और ER प्रोसेस का तुम लोगों को क्या आना चाहिए? MA प्रोसेस के LAC2 का थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है? Rho2 है ना, ACF है, Rho2. हाँ, Rho2 का एक इक्वेशन, मतलब इन टर्म्स ऑफ बीटा. हाँ, यूल वॉकर इक्वेशन यूज करके. कोई बता सकता है क्विकली मेरे को, अगर कॉपी है या कुछ, खुद से फटाफट डिराइव भी कर पाओ? आई थिंक 1 सेकेंड लगेगा डिराइव करने में. कोवेरियंस निकालना है, डिवाइडेड बाय गामा नॉट करना है खाली. एक बात बताओ, छोड़ो सबको, छोड़ दो. एस्टिमेटेड वैल्यू ACF एट LAC2 फॉर MA प्रोसेस क्या होना चाहिए? MA1 प्रोसेस थियोरिटिकल, सॉरी, थियोरिटिकल वैल्यू क्या होना चाहिए? LAC2 है, MA1 या MA1 है? जीरो 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 होगा ना, इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग? और क्या बोल रहे हैं हम लोग कब से? MA2 कहाँ से आया? सोचा क्यों? MA2 कहाँ से आया? अगर मैं मुंह से निकला भी तो वो गलत है. MA2 कहाँ से आया? MA1 का LAC2 के जीरो हो गए ACF, इतना क्यों सोच रहे हैं तुम लोग? बेसिक क्वेश्चन जहाँ तुम लोग मार खा गया, समझा? इसमें तो टाइम सीरीज डिफिकल्ट था ही नहीं एकदम भी. इससे इजी कुछ नहीं आ सकता है. अगर इससे इजी आ रहा है
तो फिर एक्चुअली इसका कोई वैल्यू नहीं होगा करने का, इससे इजी नहीं आ सकता कुछ भी। तो आप लोग क्या लिखोगे, द थ्योरेटिकल एस्टिमेट या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ, पहले सुन लो, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ACF at lag 2 of MA1 process should be zero, है ना? फिर AR का क्या होगा? AR का रो 2 बताओ जल्दी से, यूल वॉर देख के, मेहुल देखो कॉपी में देख के बताओ। AR1 प्रोसेस का तुम लोग नहीं पढ़े हो, यूल वॉकर गामा का, यूल वॉकर नहीं, अल्फा के टर्म्स में यूल वॉकर नहीं निकाले अपने, तो अल्फा के वैल्यू में डाल देंगे 0.0, 0.5, 0.45। तुम लोग को क्या हो गया, बेसिक आंसर और बेसिक क्वेश्चन, माइंड ब्लॉक हो गए क्या, हैंग हो गए, हैंग अभी भी ब्लैंक लग रहे एकदम हेमंत, तो आज पता नहीं क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं लेके आया नोट्स का, तो निकाल। यूल वॉर्कर, एआर प्रोसेस, हम लोग इतना सारा गामा निकाले थे कोवेरियंस कोवेरियंस यूज कर करके, मेरे को रो 2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा अल्फा 1 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो क्या हुआ, एस्टिमेट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर मतलब 0.45 का स्क्वायर, कैसे कमेंट करोगे, जीरो, कितने मार्क्स का कमेंट है, 9 में 0, ये सब बेसिक कमेंट नहीं लिख पाए तो रिलेट नहीं कर पाए। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपका एमए का 0 है, ये आपका किसका है, ये आपका MA1 प्रोसेस का ACF का वैल्यू एट lag 2 है, ठीक है? और ये आपका, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आर में कि ये कहाँ से आया, आपको खाली ये थियोरेटिकल वैल्यू लिखना है। आप ये चीज लिख सकते हो यूजिंग यूल वॉकर, खाली आप वो लिख सकते हो कि तो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि इसने कहाँ से लिया है, यूजिंग यूल वॉकर, ठीक है, क्लियर? अब ये हमारा एस्टिमेट, अब हमारा क्या आया है वैल्यू, इसका मीन क्या आया है, मीन मतलब क्या, मीन शुड बी क्लोजर टू द एस्टिमेट, राइट? तो मीन इधर आया है -0.01, तभी मैंने बोला था ना यहाँ पे कि देखो ये क्लोज जीरो, क्लोज है जीरो के, ये ही आपको देख के समझना चाहिए था कि जीरो है, और यहाँ पे इट इज क्लोजर टू, इसका मीन आया आपका 0.188 और हमें कितना चाहिए 0.20, सो वेरी अगेन वेरी क्लोज, 0.188 इज क्लोज टू 0.20। एंड वेरियंस कैसे निकालेंगे, एसिम्प्टोटिक वेरियंस, कराया मैंने वेरियंस ऑफ गामा, देखो तो वेरियंस ऑफ रो करवाया, आई डोंट थिंक मैंने करवाया, एक बार चेक करो, नहीं है ना? बेसिकली तुम लोग लिखो असिम्प्टोटिक, लिखना स्टार्ट करो, असिम्प्टोटिक वेरिएंस ऑफ, असिम्प्टोटिक वेरिएंस ऑफ ACF2MA, इज गिवन बाय ये, आई थिंक आप लोग को टेबल बुक में मिलेगा जहां पे रो 2 का वेरिएंस है 1 प्लस अल्फा, तुम लोग लिख लो कॉपी में 1 प्लस अल्फा बाय
वन प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200. दिस इज असिम्प्टोटिक वेरियंस ऑफ MA2, MA1 सॉरी, एंड ADLAG2, ACF ADLAG2, एंड फॉर AR1 प्रोसेस ADLAG2 इज नहीं, AR का नहीं करते बिकॉज वो डीके होते हैं ग्रेजुअली, तो उसका निकालना मुश्किल है. अगर ये वाला पार्ट अगर नहीं भी लिखोगे, आई डोंट थिंक दे माइट डिडक्ट बिकॉज दिस इज नॉट देयर. जस्ट चेक द मटेरियल, अगर मटेरियल में ये चीज लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है तो इट्स फाइन, नहीं तो फिर ठीक है. अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का बात करें, इट शुड बी लुकिंग लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड. तो हम लोग को MA प्रोसेस देख के लग रहा है ये वाला ACF ADLAG2 की ये बेल शेप्ड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजर है. बट इसके लिए उतना नहीं बोल सकते, बट ये भी है अगर हम लोग खाली ये पार्ट कंसिडर करें इग्नोरिंग दिस पार्ट, है ना. ये भी हम लोग को AR वाला प्रोसेस का भी एसिम्प्टोटिक नेचर लग रहा है. सो फ्रॉम द हिस्टोग्राम्स वी कैन कंफर्म दैट द एसिम्प्टोटिक नॉर्मल बिहेवियर इज देयर फॉर द MA1 प्रोसेस, जिसका मीन इज अराउंड 0, व्हिच इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, व्हिच इज क्लोजर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू. एंड फॉर AR प्रोसेस इट्स अगेन वेरी सिमिलर टू एसिम्प्टोटिक या वेरी सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट सजेस्टिंग पूरा है बट सिमिलर है, अगेन विथ अराउंड 0.2 एज द मीन. एंड वही हम लोग थियोरिटिकल वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि 0.2 होना चाहिए. इसका एक काम करेंगे, क्विकली रीड द सॉल्यूशन, देख लो. हाँ, दो अलग लिखा हुआ है, या तो ये या फिर ये वही मैं देख रही हूँ. इसमें मटेरियल में भी हमारा नहीं है, सो दिस पार्ट इफ यू डोंट राइट इट्स फाइन, बाकी चीज रीड कर लो. आई एम नॉट श्योर, मटेरियल में एक बार कोई वेरीफाई करके मेरे को प्लीज बताओ कि ये है कि नहीं. अगर जिसके पास है बाद में बता देना, बाद में तुम लोग चेक कर लेना कि मटेरियल में ये है कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता है. डन डन, क्लियर है. चलो वी मूव टू द नेक्स्ट पेपर नाउ.